तो आज की केस स्टडी है askmebazaar.com की। आखिर क्यों हुआ 2000 करोड़ का स्टार्टअप फेल? क्या गलती थी इन लोगों की? देयर आर 3 बिजनेस लेसंस जो हमें इस चीज से सीखने चाहिए। 1990 में भारत का वो टाइम था जो फाइनेंशियल क्राइसिस था। सरकार के पास वो टाइम पे इतने पैसे भी नहीं थे कि वो देश चला सके, जिससे SMEs आगे आए। SMEs यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेस को आगे सपोर्ट करने और आगे बढ़ाने के लिए येलो पेजेस बने थे, जो कि टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, जिसके थ्रू लोग इन बिजनेस को कॉन्टेक्ट कर पाते थे। भारत में इनकी शुरुआत गेट इट इन्फो मीडिया इस कंपनी ने करी और कुछ ही सालों बाद 50 प्लस कंट्रीज में फैल गई। लेकिन फिर है इंटरनेट रिवॉल्यूशन, जिसने सब कुछ बदल दिया। 2010 में ऐसा कुछ नहीं था। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आस्क ने शुरुआत करी एक वेबसाइट की, askme.com। हर साल 120% की एनुअल ग्रोथ से प्रॉफिट कर रहा था। 2013 में गेट इट इन्फो मीडिया ने एक्वायर किया askme.com को और इससे उनकी ग्रोथ 200% बढ़ गई। इसका रेवेन्यू 2012-13 में 26 करोड़ था और 14 में 50 करोड़ हो गया। और फिर 24 अगस्त 2016 को askme के एम्प्लॉइज को ईमेल आया और 4000 लोग फायर हो गए, वो भी रातों रात। 2013 के दौरान 6 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर्स askme पे आने लगे, लेकिन कभी सेलर्स को टाइम पे पैसे पहुंचे नहीं। 1997 में स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए और इंटरिम CEO बने। उस टाइम पे एप्पल $1 बिलियन के लॉस में था। स्टीव ने सबसे पहले आते ही सब प्रोडक्ट बंद कराया और लैपटॉप एंड PC को चालू रखा। ये था askme का बिजनेस। गेट इट इन्फो सर्विस ने askme को एक्वायर किया 2013 में, जिसकी पेरेंट कंपनी है वो है एस्ट्रो होल्डिंग्स, जिनके पास 95% होल्डिंग्स है। 2016 में जब एस्ट्रो ने फंडिंग बंद करी, तब askme खत्म हो गया। 3 लेसन इसे सीखने हैं। फर्स्ट इज वन थिंग एट अ टाइम, विजन एंड फोकस शुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू। सेकंड इज एवरी एक्सपर्टीज इज इक्वली वैल्यूएबल, वेदर इट इज मार्केटिंग, HR और फाइनेंस। लास्ट लेसन इज अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल, अपने बिजनेस में भी अपने लाइफ में भी, यानी किसी एक के पास ज्यादा पावर है तो वो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा। So I hope you guys like this case study. Stay tuned for the next one. हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।